नमस्कार, विकीवी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर सड़क से सदन तक घमासान मचा हुआ है। कई लोग इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल एक किताब में दहेज को लेकर उल्लेखित पैराग्राफ पर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने घोर आपत्ति जताई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में वैकल्पिक ईंधन वाहन उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है, सरकार उद्यमियों को यहां हर सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसी बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के अनुशासनात्मक कदम की सराहना तो हो रही है, लेकिन पुलिस वाले खफा भी हो रहे हैं। उधर भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा को जेल प्रशासन की ओर से एक अंग्रेजी लेखक की किताब सौंपने से मना करने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हास्यास्पद बताया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। सड़क से सदन तक घमासान मचा हुआ है। कई लोग इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के बयान के बाद जगह जगह लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा है, भजन बजाए जाने लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हमने सभी लाउडस्पीकर और डीजे बंद करने का आदेश जारी किया है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने कहा है कि पुलिस निश्चित रूप से विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसी बीच पुणे में मनसे के एक मुस्लिम पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ दी है। शाखा अध्यक्ष मजीद शेख ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में सांप्रदायिकता के घुस आने के चलते इस्तीफा दे दिया है। राज ठाकरे राज्य के विकास के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन अब वो अपनी राजनीति के लिए जाति और धर्म का समर्थन ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक किताब के कुछ पन्ने वायरल हो रहे हैं। इसमें दहेज को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। एक पैराग्राफ में तो यहाँ तक लिखा है कि दहेज की मदद से बदसूरत लड़कियों की शादी हैंडसम लड़कों से हो जाती है। किताब को लेकर महिलाएं सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। वे इसे महिला और संविधान विरोधी बता रही है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस किताब के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसमें दखल देने की भी अपील की है। विवाद बढ़ने के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर किताब और लेखक से किनारा कर लिया है। अपने नोटिफिकेशन में काउंसिल ने कहा है कि वे ऐसी किसी किताब या कंटेंट का समर्थन नहीं करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महिलाओं के लिए अपमानजनक और शर्मनाक बताया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर ऐसी किताबों को तुरंत सर्कुलेशन से हटाने की भी अपील की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि ऐसी किताबों का हमारे पाठ्यक्रम में होना देश और संविधान के लिए शर्मनाक है। दरअसल सेकेंड ईयर की एक किताब में राइटर टीके इंद्राणी ने एक तरफ से दहेज के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने कई पॉइंट्स में दहेज प्रथा को सही साबित करने की कोशिश की है। एक पॉइंट में उन्होंने लिखा कि दहेज में मिलने वाली टीवी फ्रिज से गृहस्थी बसाने में मदद मिलती है। किताब के सबसे विवादित हिस्से में उन्होंने लिखा है कि दहेज की मदद से बदसूरत लड़कियों की शादी आसानी से होती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में वैकल्पिक ईंधन वाहन उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। सरकार उद्योग लगाने के लिए होने वाली मुश्किलों को दूर करके उद्यमियों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। पुणे में आयोजित दो दिवसीय वैकल्पिक ईंधन वाहन क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों के परिषद में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन उपयोग में महाराष्ट्र आदर्श राज्य साबित होगा। इसके लिए राज्य में पारंपरिक ईंधन के बजाय हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। राउत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए महावितरण कंपनी सक्रिय है। महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिति ने पेट्रोल पंप के परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पेट्रोल कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। ये मॉडल सफल होने पर अगले चरण में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूल और महाविद्यालय के परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। नागपुर में 34, नई मुंबई में 60, नासिक में 25 और ठाणे में 25 चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन देश और विश्व का भविष्य है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, वायु और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की रक्षा के लिए वैकल्पिक ईंधन का विचार करना आवश्यक है। देश के 26 राज्यों ने विद्युत वाहन नीति घोषित की है। महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रसर है।
मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के अनुशासनात्मक कदम की सराहना तो हो रही है, लेकिन पुलिस वाले खफा भी हो रहे हैं। दरअसल पासपोर्ट को लेकर विवाद के बाद एक महिला ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो समता नगर पुलिस स्टेशन के साथ पुलिस वालों का आनन फानन में तबादला कर दिया गया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनका पक्ष सुने बिना सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर की गई कार्रवाई सही नहीं है। अब मामले की जांच डीसीपी को करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी ने समता नगर पुलिस स्टेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें उसने दावा किया था कि स्पेशल ब्रांच से हरी झंडी मिलने के बावजूद पुलिस स्टेशन से पासपोर्ट वेरिफिकेशन का मामला लटका कर रखा गया है। ये भी दावा किया गया है कि इस बारे में पूछताछ करने पर पुलिस वालों ने आवेदनकर्ता से बदसलूकी और मारपीट की। महिला ने वीडियो में कमिश्नर संजय पांडे को टैग किया, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आनंदराव हाके समेत 7 पुलिस वालों को लोकल आर्म्स डिवीजन में तबादला कर दिया। पुलिस कर्मियों का दावा है कि आवेदन करने वालों के खिलाफ कर्नाटक में भी गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा तो आवेदक और उनके रिश्तेदारों ने पुलिस वाले से बदसलूकी कर दी। आवेदक का दावा था कि अदालत ने उन्हें राहत दी है, लेकिन पुलिस ने अदालत के कागजात मांगे तो वे दिखाने को तैयार नहीं थे। अब जब सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज करा पाते, इससे पहले उनका तबादला कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए खतरा बताकर भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा को जेल प्रशासन की ओर से एक अंग्रेजी लेखक की किताब सौंपने से मना करने को हास्यास्पद बताया है। न्यायमूर्ति एसबी सुकरे व न्यायमूर्ति जीए सानप की खंडपीठ ने कहा है कि जिस अंग्रेजी लेखक की किताब आरोपी को देने से मना किया गया है, वो मराठी के लेखक व कवि पीएल देशपांडे के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। खंडपीठ ने कहा है कि जेल प्रशासन की यह हरकत उसके रुख को दर्शाती है। खंडपीठ ने अब 5 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई रखी है। बता दें कि याचिका में 70 वर्षीय नवलखा ने अपनी उम्र व खराब सेहत का हवाला देकर कहा है कि उन्हें नई मुंबई की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में रखने की बजाय घर में नजर कैद किया जाए। नवलखा को इस मामले में साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में है। नवलखा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युग चौधरी ने कहा कि तलोजा जेल की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे मुवक्किल ने दर्द होने के चलते कई बार बैठने के लिए कुर्सी उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग पर विचार नहीं किया गया। इसके पहले उनका चश्मा जेल में चोरी हो गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उनके घरवालों की ओर से भेजा गया दूसरा चश्मा तक नहीं लेने दिया। पिछले दिनों घरवालों ने अंग्रेजी लेखक की हास्य आधारित किताब भेजी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने 2 बार सुरक्षा को खतरा बताकर किताब सौंपने से मना कर दिया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या जेल प्रशासन की ओर से किताब न देने के बारे में दिया गया आदेश उपलब्ध है। इस पर खंडपीठ के सामने आदेश की प्रति पेश की गई। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक का फैन है और उसके इरादे नेक नहीं थे। तो आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वो लगभग 58 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर कड़ी कार्रवाई की है। इन बैंकों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन हाईकमान उन्हें कोई मौका देने के मूड में नहीं दिख रहा है। उधर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हर लेवल पर एकता और लचीलेपन पर जोर दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक का फैन भी है। पुलिस की गिरफ्त में आए अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 से गोरखपुर आकर रहने लगा। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि अहमद मुर्तजा अब्बासी घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अपने कमरे से भी बहुत कम निकलता था। उसके पिता एम ए अब्बासी भी एक कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद गोरखपुर रहने लगे। मुर्तजा के पास से सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी
भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। फिलहाल मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। माना जा रहा है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए रिहर्सल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक मुर्तजा लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। वह अक्सर हथियार चलाने और लोन वुल्फ अटैक के तौर तरीकों के भी इंटरनेट पर सर्च करता था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसके इंटरनल सर्वे से पता चला है कि वह गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 58 सीटें जीत सकती है। आपके प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार पार्टी को कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की संभावना है। डॉक्टर पाठक ने कहा कि हमारे आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम वर्ग बदलाव चाहता है और वे हमें वोट देंगे। डॉक्टर पाठक को पंजाब में हाल के चुनाव में आपको मिली भारी जीत के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक माना जाता है। उनका दावा है कि गुजरात के लोगों की राय है कि कांग्रेस या बीजेपी को नहीं हरा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार की राज्य खुफिया शाखा के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में आपको 55 सीटें दी जा रही है। इस खुफिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से पता चला है और बीजेपी उनकी पार्टी के पूर्वानुमानित प्रदर्शन से चकित है। पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी यह शीर्ष स्थान के लिए लड़ रही है क्योंकि लोग बीजेपी से बदलाव चाहते हैं जो पिछले 27 वर्षों से यह सत्ता में है, और लोग यह भी जानते हैं कि बीजेपी को केवल आप ही हरा सकती है, कांग्रेस नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन बैंकों पर कुल 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उनमें फल्टन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मार्केट ऑयल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक RBI ने नॉन कम्प्लायंस के लिए इन बैंकों पर कार्रवाई की है। इसमें बताया गया कि यशवंत कोऑपरेटिव बैंक पर आय, परिसंपत्ति, वर्गीकरण समेत अन्य मामलों में दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 2 लाख रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मुंबई स्थित कोकन मार्केट ऑयल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी नियमों का अनुपालन न करने के कारण 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। इस जुर्माने की कार्रवाई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। इस कार्रवाई का बैंकों के ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। RBI ने कहा कि इन बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या फिर समझौते की वैधता से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी ऐसी कोई भी प्रक्रिया केंद्रीय बैंक की कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू खुद को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन हाईकमान उन्हें एक और मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। सोनिया गांधी ने आज पंजाब के पार्टी सांसदों की मीटिंग दिल्ली में बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में वह प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए चेहरे पर चर्चा कर सकती है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नामित होने से पहले सूबे में कई ग्रुप एक्टिव है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार हाईकमान नए चेहरे पर ही चलने के मूड में है। इसकी वजह यह है कि पार्टी लीडरशिप किसी भी तरह की गुटबाजी से बचाना चाहती है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा पूर्व डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चल रहा है। इसके अलावा मंत्री रहे अमरिंदर राजा वारिंग का नाम भी रेस में माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के एक सीनियर नेता का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। इस हार को लेकर पंजाब के कई नेताओं ने उन पर निशाना भी साधा था। रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यहाँ तक कहा था कि कुछ लोगों ने गधों के हाथों शेर मरवा दिए। हार के बाद पार्टी लीडरशिप ने सभी 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों समेत नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मांग लिया था। इस पर सिद्धू ने एक ही लाइन लिखते हुए ट्विटर पर ही इस्तीफा देने की जानकारी दी थी।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हर लेवल पर एकता और लचीलेपन पर जोर दिया। पार्टी से खफा चल रहे नेताओं को भी सोनिया ने इशारा दिया कि वे जल्द ही कई बदलाव करने वाली है। वहीं दूसरे और वर्किंग कमेटी के भी मीटिंग को भी बुलाने की बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि हाल के चुनाव परिणामों से आप कितने निराश हैं। वे चौंकाने वाली और दर्दनाक दोनों रहे हैं। कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने के लिए कड़े फैसले लेने की मांग कर रहे हैं। 23 असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 से कहा कि उन्हें पार्टी को मजबूत करने के बारे में कई सुझाव मिले हैं और वह इस पर काम कर रही है। पिछले महीने 5 राज्यों में चुनाव नतीजे में बुरी तरह हारने के बाद भी CWC की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद चिंतन शिविर रखने की बात सामने आई। सोनिया का मानना है कि यही वह जगह है जहां बड़ी संख्या में पार्टी के लोगों के विचार सुने जाएंगे, जो पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें कैसा पूरा किया जाए। उन्होंने फिर चेताया कि आगे की राह और मुश्किल होने वाली है, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए भी। इसलिए दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में आना बेहद जरूरी है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी मौजूद थे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अमेरिकी साजिश के तहत मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनके दावे की हवा निकाल दी है। सेना ने कहा कि इसमें कोई सबूत नहीं है। वहीं पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है, तो श्रीलंका की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने सभी से मंत्री पद लेने और एक सरकार के तहत काम करने की बात कही थी। इसी बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया में तबाही मचाने की चेतावनी दी है। उधर चीन में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहां 27 से अधिक प्रांत महामारी की चपेट में आ गए हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अपनी कुर्सी को खतरे में देख पाक के PM इमरान खान ने आरोप लगाया था कि इसके पीछे अमेरिकी साजिश है, पर उनके इस दावे की खुद पाकिस्तानी सेना ने हवा निकाल दी है। पाकिस्तानी सेना ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष दिए बयान में कहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को गिराने में अमेरिका के शामिल होने या धमकी के कोई सबूत नहीं है, जबकि NSC ने कहा था कि यह पाकिस्तान के आंतरिक मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप है। NSC ने अमेरिका से कूटनीतिक तरीके से आपत्ति जताने का फैसला लिया था। NSC के बयान का इस्तेमाल संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के डिप्यूटी स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए किया था। इसके बाद से पाकिस्तान में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इमरान खान ने दावा किया था कि NSC ने उनके उस रुख का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश का हिस्सा बताया था। हालांकि शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने बताया कि यह गलत धारणा पैदा की गई कि सेना सरकार के विचार का समर्थन कर रही है। यही नहीं, सेना ने NSC की बैठक पर लिखित बयान पर साइन भी नहीं किया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रासंगिक अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने किसी भी तरह का पत्र पाकिस्तान को नहीं भेजा है। इस बीच इमरान खान ने फिर कहा है कि वह अमेरिकी विरुद्ध नहीं है और आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कई कानूनी अड़चनों और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के कारण अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि आम चुनाव की तैयारियों में करीब 6 महीने लगेंगे क्योंकि परिसीमन में वक्त लगता है। यहाँ आपत्तियों को रजिस्टर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाता है और फिर उन आपत्तियों को सुलझाने के लिए 1 महीने का वक्त लगता है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट भी अपडेट करना होता है। ऐसे में इस पूरे काम को करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा इतनी जल्दी में चुनाव सामग्री की खरीदी, बैलेट पेपर की व्यवस्था और मतदान कर्मियों की नियुक्ति सहित उनकी ट्रेनिंग आदि भी चुनौती है। कानून के तहत वाटरमार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना था जो देश में उपलब्ध नहीं है।
उन्हें आयात करना होगा। कुछ कानूनी अड़चनों का जिक्र करते हुए अधिकारी ने बताया है कि चुनाव अधिनियम की धारा 14 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव से 4 महीने पहले चुनाव योजना की घोषणा करनी थी। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और संवैधानिक संकट के हालात है। पाक सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने सभी से मंत्री पद लेने और एक सरकार के तहत काम करने की बात कही थी। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने प्रस्तावित एकता सरकार में शामिल होने के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निमंत्रण को एक ढकोसला बताकर खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के एकता सरकार में शामिल होने के निमंत्रण को खारिज करते हुए उनसे देश में भोजन, ईंधन और दवाओं की बिगड़ती कमी पर इस्तीफे की मांग की। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद की वैधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए 4 मंत्रियों को नामित किया है, जब तक कि एक पूर्ण मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं हो जाती। बता दें कि इसके पहले गोटाबाया ने देश की खराब हुई अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बीच सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था और विपक्ष को एकता सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। सरकार द्वारा लागू आपातकाल और कर्फ्यू का उल्लंघन कर हजारों लोगों द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किए जाने के बाद रविवार रात को देश के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यूनाइटेड पीपल्स फोर्स या समागी जन बलवेगा के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा कि वह ऐसा राजनीतिक मॉडल चाहते हैं जो काम करे, नया श्रीलंका और मजबूत संस्थान के साथ शुरू होगा, न कि केवल नेतृत्व परिवर्तन से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया में तबाही मचाने की चेतावनी दी है। किम यो जोंग ने धमकी दी कि अगर दक्षिण कोरिया ने अगर 1 इंच जमीन को नुकसान पहुंचाया तो उत्तर कोरिया परमाणु बम गिरा देगा। उत्तर कोरियाई नेता ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब प्योगयांग लगातार महाविनाशक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया है जो अमेरिका तक मार सकती है। किम यो जोंग अपने भाई तानाशाह किम जोंग उनकी सबसे नजदीकी सहयोगी मानी जाती है और इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को देखने वाली वही शीर्ष अधिकारी है। किम यो जोंग की यह धमकी दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सु वूक के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के पास अब ज्यादा प्रभावी मिसाइलें हैं। सु वूक ने कहा कि दक्षिण कोरिया की मिसाइलें उत्तर कोरिया के किसी भी लक्ष्य को ज्यादा सटीकता और तेजी से तबाह कर सकती है। इसके जवाब में किम यो जोंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का बयान बहुत बड़ी भूल है। उत्तर कोरिया युद्ध का विरोध करता है जिससे यह पूरा प्रायद्वीप तबाह हो जाएगा। यही नहीं, हम दक्षिण कोरिया को अपना मुख्य शत्रु भी नहीं मानते हैं। हाँ, अगर दक्षिण कोरिया ने किसी कारण से सैन्य कार्यवाही का विकल्प चुना तो हालात बदल जाएंगे। ऐसे में दक्षिण कोरिया एक लक्ष्य में बदल जाएगा। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,412 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरियंट फैल गया है जिससे लोगों के बीच एक बार दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है। इतना ही नहीं, यह 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। बता दें कि शहर में 28 मार्च को 2 चरणों के लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई है। निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई रोक दी गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। इसके बावजूद चीन का दावा है कि शंघाई में कोरोना संक्रमण से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। वैश्विक मानदंडों के मुताबिक शंघाई में कोरोना की लहर ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन चीन जिस ढंग से कोरोना टेस्टिंग, ट्रेसिंग व क्वारंटाइन के कदम कर महामारी पर काबू पाता है, उस लिहाज से यह अहम है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेवी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।